साथ निभाना साथिया की राशि बेन का किरदार निभाने वाली रुचा हसबनीस को शायद ही कोई भूला होगा। उस सीरियल में वो एक चालाक और स्वार्थी बहन के रोल में नजर आई थी। रुचा ने इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाया कि कुछ ही समय में वो घर घर में राशि बेन के नाम से मशहूर हो गयी। सोशल मीडिया पर पिछले साल रसोड़े में कौन था वीडियो जमकर वायरल हुआ था। टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया के एक सीन को लेकर बनाए गए इस वीडियो की चर्चा काफी दिनों तक छाई रही। वीडियो में कोकिला बेन यानी रूपल पटेल रसोड़े में कुकर चढ़ाने वाली को ढूंढ रही हैं। वैसे आपको बता दें कि रसोड़े में कुकर चढ़ाने वाली वो महिला कोई और नहीं बल्कि राशि बेन यानी की रुचा हसबनीस थी। साल 2015 में अपने सफल करियर को छोड़कर अचानक रुचा ने शादी करने का फैसला किया और उसके बाद से वो टीवी इंडस्ट्री से गायब हैं। तो आज अपने इस खास सेगमेंट कहाँ गए वो लोग में हम रुचा के बारे में बात करेंगे कि आखिर टीवी स्क्रीन को बाय बोलकर इन दिनों वो क्या कर रही हैं। रुचा का जन्म 8 फरवरी 1988 को मुंबई में हुआ है। वो अपने पिता रमेश हसबनीस और रेशमा की इकलौती बेटी हैं। रुचा ने मुंबई के वीजी कॉलेज से बीकॉम और मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की है। रुचा ने अपने करियर की शुरुआत मराठी टीवी इंडस्ट्री से की थी। उन्होंने साल 2009 में मराठी टीवी सीरियल चार चौघी से डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें पहचान 2010 में शुरू हुए सीरियल साथ निभाना साथिया में राशि के किरदार से मिली। इस टीवी सीरियल से रुचा काफी मशहूर हुई। ये किरदार ग्रे शेड से भरपूर था, बावजूद इसके रुचा को उनके फैंस ने बहुत प्यार दिया। रुचा ने साल 2010 से 2014 तक साथ निभाना साथिया में काम किया। साल 2011 में रुचा को बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल के अवार्ड से भी नवाजा गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रुचा उस समय एक एपिसोड के लिए 30,000 रुपए चार्ज करती थी। साथ निभाना साथिया के अलावा रुचा साल 2013 में नच बलिए के सीजन 6 में नजर आई थीं। इसमें उन्होंने विशाल सिंह के साथ डांस परफॉर्मेंस दी थी। उस दौरान रुचा अपने करियर के पीक पर थीं। उन्हें कई टीवी सीरियल्स ऑफर हो रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने साल 2015 में अपने फैंस को बहुत बड़ा झटका दिया। दरअसल अपने बचपन के दोस्त और बॉयफ्रेंड राहुल जगदाले के साथ सगाई करने के बाद रुचा ने सीरियल साथ निभाना साथिया को अलविदा कह दिया। ये खबर सुनकर उनके फैंस को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि राशि का किरदार काफी पॉपुलर हो चुका था। रुचा ने 26 जनवरी 2015 को अपने बचपन के दोस्त राहुल जगदाले से शादी कर ली। ये शादी मराठी रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। रुचा आए दिन अपने पति के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। रांची यानी रुचा हसबनीस शादी के 4 साल बाद यानी दिसंबर 2019 में मां बनी और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। रुचा ने अपनी प्रेगनेंसी की फोटोज भी शेयर की थी। वैसे रुचा का लुक अब काफी बदल गया है। मां बनने की खुशी में रुचा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो और उनके पति अपनी बेटी का हाथ पकड़े नजर आए थे। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, हमारी खुशियाँ आ गई, हमारी बेटी आ गई। साल 2020 में रुचा के फादर का कोरोना की वजह से निधन हो गया, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू दी। अपने पिता के निधन के बाद वो काफी सदमे में थी, लेकिन धीरे धीरे वो इस सदमे से भी बाहर आई। रुचा अब अपने पति के साथ मिलकर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर रही हैं और आए दिन वो अपने इंस्टाग्राम पर अपने पति और प्यारी सी बच्ची की तस्वीरों को शेयर करती रहती हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने आज तक को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने पति और बच्ची के साथ अपनी लाइफ काफी इंजॉय कर रही हैं और फिलहाल उनका इस इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर उन्हें अच्छा रोल मिलता है तो वो उस पर जरूर विचार करेंगी। वेल रुचा, आप अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रही हैं, ये जानकर तो आपके फैंस काफी खुश होंगे, लेकिन उसके साथ ही वो आपको टीवी के पर्दे पर काफी मिस करते हैं और टीवी पर आपकी धमाकेदार वापसी का इंतजार भी कर रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।